जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद। इस माह रमजान मुबारक में आज रमजान मुबारक का पहला जुमा है, सबको सलाम अलैकुम। और इस रमजान मुबारक का पहला जुमा सबको मुबारक हो। हम इस रोज़े में अल्लाह पाक की इबादत करते हुए, हम अल्लाह की राह में चलते हुए, इस माह रमज़ान के मुबारक के पर अमल करते हुए, हम तेलंगाना राष्ट्र के मुख्यमंत्री केसीआर साहब के पार्टी का काम अंजाम भी दे रहे हैं। इसलिए कि केसीआर साहब ने हर मज़हब के साथ इंसाफ कर रहे हैं, लिहाजा हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जब भी हमें टाइम मिले, जब भी हमें वक्त मिला निकाले, उस वक्त निकाल कर केसीआर साहब की पार्टी को मजबूत करें। उसी को लेकर, केसीआर साहब की पार्टी की मजबूत करने को लेकर जनाब शाली बंडे से सदर मोहतरम सीनियर शाली बंडे के शकील साहब, रशीद साहब वाइस प्रेसिडेंट, अब्दुल रहमान साहब माइनॉरिटी सेल, हमारे रज़ा अली नूर खां मदर्स और दीगर सीनियर खायदीन यहाँ मौजूद है, काफ़ी लोगों को लेकर नौजवानों को शमूलियत करने के लिए आए हैं। आज इस मुबारक महीने में ये रमज़ान की पहली नौजवानों में टीआरएस में शामिल होने का ये मौका आया है, तो हमने खंडवा डालकर इन नौजवानों को टीआरएस पार्टी में शामिल किया है। मगर कर्नाटका जैसे हालात कांग्रेस के और बाकी के दीगर बीजेपी के जो हालात है, और जहाँ जहाँ भी जिन जिन हालात को लेकर लोग अपने अपने सियासत चाल चल रहे हैं, वो कुछ काम करने वाले नहीं हैं टीआरएस पार्टी के सामने। टीआरएस पार्टी में एक ऐसा जज्बात रखने वाले कायदीन हैं जो किसी के रोकने या टोकने या ओहदों से नवाजने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग टीआरएस एक्टिव टीम है, ये टीआरएस पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। हम टीआरएस पार्टी को काम करते जाएंगे, टीआरएस पार्टी को जो है ना ताकतवर बनाएंगे, मजीद हर घर पहुंचेंगे, केसीआर साहब के स्कीमों को लेकर हम आवाम तक पहुंचाएंगे, जिन आवाम को, जिन आदमियों को समझ में नहीं आता उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि केसीआर साहब के स्कीमों से उनका फ़ायदा पहुंच सके। लिहाजा हमको कोई रोक नहीं सकता, टीआरएस पार्टी है ये, कोई अंजू पंजू पार्टी नहीं है, किसी तुरुखा में इतना दम नहीं है कि टीआरएस पार्टी के काम करने से कोई रोक सके। जय केसीआर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। जय तेलंगाना।